करता है ये। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमआरआई लंबर स्पाइन की फिल्म बनाना, कि फिल्म पर हम कौन कौन से सीक्वेंस प्रिंट करते हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जिस पेशेंट की हमें फिल्म बनानी होती है उसको ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। जैसे पेशेंट का नाम ये है और मुझे इसकी फिल्म बनानी है लंबर स्पाइन की। तो बेसिकली देखा जाता है कि स्पाइन के जब भी हम एमआरआई करते हैं तो T2 सजाइटल की जो सीक्वेंस होती है वो हमें एक सिंगल फिल्म सीट पर देनी होती है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तो यही है। तो फिल्म बनाने के लिए फिल्मिंग सॉफ्टवेयर ये है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से डायरेक्टली आप पेशेंट को या तो सीरीज पर डबल क्लिक कर दो या उठा के सीधा डाल दो। क्लियर? ऐसे। इसके बाद हम जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट यूज करने वाले हैं 4:3। ये देखो 4:3 का फॉर्मेट यूज करेंगे हम। अब फिल्म का हमें स्टार्ट और एंड लोकेशन कैसे देना है, जो जितना सेक्शन राइट साइड से आया है उतना ही सेक्शन आपका लेफ्ट साइड से भी होना चाहिए। तो हम यहाँ से एक सेक्शन को डिलीट कर लेते हैं। अब देखिए जो राइट साइड में सेक्शन है वही लेफ्ट में भी है और यहाँ से इसको हम डिलीट कर देते हैं ये, क्योंकि इसमें स्पाइन है नहीं, हम डिलीट कर सकते हैं इसको। तो एक फिल्म तो ये बनती है लंबर स्पाइन में T2 सजाइटल 4:3 के फॉर्मेट पे। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। जब भी स्पाइन की कोई भी आप फिल्म बनाओगे तो T2 सजाइटल सिक्वेंस एक फिल्म सीट पर होना चाहिए। तो एक हमने सीट कवर कर ली 4:3। तो इस फिल्म को हम प्रिंट कर देते हैं। चलो प्रिंट कर दिया, ठीक है, एक फिल्म बन गई। इसके बाद हम दूसरी फिल्म बनाएंगे। दूसरी फिल्म में हम क्या रखते हैं, एक में T1 सजाइटल एंड ट्रिम कॉर्नर। पहले इसका फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। फॉर्मेट चेंज किया, फॉर्मेट रखेंगे इसका 5:4। 5:4 का फॉर्मेट हमने सेट कर लिया। अब देखो जब हम फिल्म सीट पे फिल्म को सेंड करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले इमेज का ऑर्डर देखना होता है। ये देखो ऑर्डर देखो, यहाँ से ये हुआ, अब यहाँ पर देखो ऑर्डर चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जब हम स्कैनिंग कर रहे थे, जब हम ब्राउजर में स्कैनिंग को ओपन करके देखते हैं तो सीरीज पे आगे पीछे हो जाती है ऑटोमेटिक। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, यहाँ पे एक बार ओपन करके इसको देखो, सीक्वेंस देख के ही फिल्म प्रिंट करना है। पेशेंट हिला हुआ तो नहीं है, इमेज क्वालिटी ठीक है या नहीं है, इस टाइप से। तो अब यहाँ से हम डायरेक्ट इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट हो गया, अब इसका इमेज ऑर्डर देखो ये रहा। क्लियर? अब यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर दिया 5:4। अब यहाँ से भी हम देखेंगे कि जो सेक्शन हमें रखना है तो जो राइट में है वही हम लेफ्ट में भी रखने वाले हैं। तो बेसिकली ये हो गया और ये हो गया, सेम रखते हैं हम दोनों तरफ। ऐसा नहीं कि राइट से सेक्शन आपने ज़्यादा काट दिया और लेफ्ट से कम, दोनों तरफ बराबर रखना चाहिए। एक फिल्म सीट ये होगी, मतलब T1 सजाइटल, और इसके कोरिलेशन के लिए हम दे देते हैं नीचे ट्रिम कॉर्नर। ये अब जो लंबर स्पाइन का जो हम कॉर्नल जो सीक्वेंस करते हैं बेसिकली SI जॉइंट और हिप जॉइंट के लिए करते हैं। तो इसमें जो स्पाइन, यहाँ पे देखो इमेज में स्पाइन नहीं दिख रहा है तो इसको डिलीट कर दो। यहाँ से हम मोस्टली बैक साइड का सेक्शन नहीं काटेंगे लंबर स्पाइन में, क्योंकि साइटिका वगैरह, SI जॉइंट और हिप जॉइंट हमें इसी वाली इमेजेस में देखते हैं और हम कॉर्नल सिक्वेंस करते ही इसके लिए हैं, क्योंकि स्पाइन तो हमने सजाइटल में देख लिया। बिल्कुल सर। तो ये रखेंगे इसका स्टार्ट और एंड लोकेशन कॉर्नल इमेज का। क्लियर? जी सर। एक फिल्म सीट ये होगी, तो इसको प्रिंट कर देते हैं। चलो प्रिंट कर दिया। उसके बाद हम तीसरे फिल्म बनाएंगे इसमें T2 एक्सियल। चलो T2 एक्सियल। अब मोस्टली कन्फ्यूजन क्या होता है कि जब हम एक्सियल फिल्म जो बनाते हैं वो सुपीरियर टू इन्फीरियर बनती है। तो अब इसमें देखो ये सुपीरियर टू इन्फीरियर नहीं, ये इन्फीरियर सेक्शन है इसका ना। तो सेलेक्ट सीरीज करेंगे और इसको रिवर्स कर देंगे, तो यानी कि फिल्म बनेगी सुपीरियर टू इन्फीरियर। इसको जूम करेंगे। अब सपोज करो आपको इमेज डिलीट करना है जी सर। या एक सेक्शन एक्स्ट्रा है, तो कभी हम डिस्क को डिलीट नहीं करते, जी बॉन को सर। डिलीट कर सकते हैं। तो ये बॉन है, इसमें ये वाली बॉन है, इसको डिलीट कर दो। डिस्क काली होती है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी हम बॉन को रिमूव कर सकते हैं। कभी भी एक्सेल में डिस्क को नहीं काटेंगे हम, ओके सर, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से सेलेक्ट ऑन सक्सीडिंग कर लो और इमेज को बिल्कुल सेट कर लो, सेंटर में होनी चाहिए सारी इमेजेस। तो तीन फिल्म का बिल्कुल स्टैंडर्ड है, कहीं भी आप MRI करोगे तीन फिल्म तो देनी ही होती है। ये सीक्वेंस तो देना ही है आपको, T2 एक्सियल, T2 सजाइटल, ट्रिम कॉर्नल और T1 सजाइटल। अब यहाँ से हम लगा देते हैं रेफरेंस इमेज। राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ और यहाँ पर रेफरेंस इमेज, रेफरेंस इमेज जैसे ही ऑन करोगे तो फिल्म ऐसे आ जाएगी जी सर। ये
स्लाइस कहाँ से कट रही है। हाँ तो ये हो गया एक हमारा क्या T2 एक्सियल की फिल्म होगी। तो बेसिकली हमने तीन फिल्म बनाई है इसमें। तो आप किसी भी जैसे स्पाइन में करोगे, सर्वाइकल में भी तीन फिल्म जाएंगी, लंबर में भी, डोर्सल में भी, हॉल स्पाइन की अलग से सीरीज बनाएंगे एक, ठीक है। तो ये मिनिमम मतलब स्टैंडर्ड है, इतनी फिल्म तो आपको देनी ही है, क्लियर। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था। यदि वीडियो से आपको कुछ चीज़ समझ में आती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।